अनुपमा अकारुपाली गांगुली ने ज्वाइन की बीजेपी। मई के महीने में ओटीटी पर रिलीज होंगी कौन सी मूवी, कौन सी वेब सीरीज। द ब्रोकन न्यूज सीजन 2 की स्क्रीनिंग में पहुंचे कई सितारे। हीरा मंडी से कमबैक करेंगे ये चार एक्टर्स। पंचायत 3 की रिलीज डेट पर फूटा फैंस का गुस्सा। वीर सावरकर और शैतान कब होगी ओटीटी पर रिलीज। राजा मौली ने बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड का किया ऐलान। हाय, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड बंटा। आज के शो में बात करेंगे मई के महीने में ओटीटी पर रिलीज होने वाली मूवीज और वेब सीरीज की। द ब्रोकन न्यूज सीजन 2 Z5। द ब्रोकन न्यूज सीजन 2 का ट्रेलर जबरदस्त था, जिसके बाद दर्शकों को इस वेब सीरीज का बेइंतहा इंतजार है। द ब्रोकन न्यूज सीजन 2 Z5 पर 3 मई 2024 को रिलीज होगा। इस वेब सीरीज में जबरदस्त न्यूज ड्रामा व एक्शन देखने को मिलेगा। अगर आपने अब तक इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो वो भी देख डालिए। वैसे बीच में खबरें आई थी कि इस सीरीज में रणदीप अहलावत और सोनाली बेंद्रे के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, हालांकि उसके बाद एक खबर आई गई हो गई। उधर मुंबई में ब्रोकन न्यूज सीजन 2 की रेड कार्पेट स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें कई सारे कलाकार पहुंचे। चलिए आइए देखते हैं उनकी एक झलक। हीरा मंडी द डायमंड बाजार वेब सीरीज। हीरा मंडी द डायमंड बाजार वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर 1 मई 2024 को रिलीज हो गई, जिसमें संजय लीला भंसाली आपको हीरा मंडी की जादूगरी दुनिया की सैर कराने वाले हैं। आजादी के पहले व बाद में तवायफों की एक कहानी दर्शाती है। संजय लीला भंसाली जितने क्रिएटिव और शानदार डायरेक्टर माने जाते हैं ना, उतने ही सनकी और सख्त टीचर भी माने जाते हैं। हाल ही में अदिति ने एक इंसिडेंट शेयर किया। उन्होंने कहा, एक दिन उन्होंने मुझे भूखा भी रखा, क्योंकि उस दिन अन्याय के खिलाफ गुस्से वाला सीन करना था। इसीलिए उन्होंने कहा कि आज खाना मत खाओ। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें भी थी और मेरी सोच ये थी कि वो जो कह रहे हैं उनके आगे पूरी तरह सरेंडर करूं। वैसे ना हर कोई एक्टर इतना सरेंडर करे ये पॉसिबल नहीं होता। रणवीर कपूर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया से डेब्यू किया था, लेकिन उसके बाद रणवीर ने पब्लिकली एडमिट किया कि जिस तरह से उन्हें सावरिया के सेट पर ट्रीट किया गया था वो उन्हें पसंद नहीं आया और वो भंसाली के साथ फिर से काम नहीं करेंगे। पर अब सुनने में आया है कि दोनों के बीच पाचअप हो गया है और शायद ये दोनों एक साथ काम करते दिखे। आई एम गेसिंग कि रणवीर को भी समझ में आ गया होगा कि संजय कितने बड़े और अच्छे डायरेक्टर हैं, और मे बी संजय भंसाली को भी ये समझ में आ गया होगा कि जब घर का बच्चा बड़ा हो जाता तो उसे हमेशा डांट डपट के नहीं सिखाते, कभी कभी प्यार से दोस्त बन के भी बच्चों को सिखाना पड़ता है और काम करवाया जा सकता है। वैसे हीरा मंडी से भंसाली न सिर्फ ओटीटी डेब्यू कर रहे हैं, बल्कि अपने साथ 4 एक्टर्स का कमबैक भी करवा रहे हैं। इनमें फरदीन खान है, जो 14 साल बाद संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी से वापसी कर रहे हैं। दूसरी है फरीदा जलाल, जिन्होंने आखिरी बार 2021 में हिना खान के साथ फिल्म लाइन में काम किया था। इसके बाद है शेखर सुमन, जिन्हें आपने आखिरी बार रियलिटी शो बिग बॉस का 16वां सीजन होस्ट करते देखा था। उसके बाद आते हैं शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन। अध्ययन सुमन साल 2008 में फिल्म राज 2 में दिखाई दिए थे, इसके बाद उनके ज्यादातर प्रोजेक्ट फ्लॉप रहे। लेट्स सी कि इस बार अध्ययन सुमन कंगना रनौत के जादू से बाहर निकलकर क्या एक्टिंग में कुछ कारनामा कर पाते हैं या नहीं। विमेन ऑफ माय बिलियन Amazon Prime Video। Amazon Prime Video पर विमेन ऑफ माय बिलियन डॉक्यूमेंट्री रिलीज होगी। ये प्रियंका चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस पर्पल पेबल पिक्चर्स के बैनर तले बनी डॉक्यूमेंट्री है। इसमें ऐसी महिलाओं की कहानी दिखाई गई है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर पैदल तय करती है और उन औरतों से मिलती है जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह की
हिंसा झेली है। मंजुमेल बॉयज डिज्नी प्लस हॉटस्टार। मलयालम फिल्म मंजुमेल बॉयज 22 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसे काफी पसंद किया गया था और अब 5 मई 2024 को इसे OTT पर रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि अपने सिनेमाघरों में रिलीज के 74 दिन बाद ये OTT पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को इसके कंटेंट और एक्टिंग की वजह से काफी पसंद किया गया है। तेलुगु में इस फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म मंजुमेल बॉयज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये फिल्म 2006 में तमिलनाडु के कोडाईकनाल के पुरुषों के एक ग्रुप की कहानी बताती है जो फेमस गुना गुफाओं का दौरा करते हैं। फिल्म में दोस्तों का एक ग्रुप है, अपने दोस्तों को मुश्किलों से बचाने की कोशिश करता है। वीर सावरकर Z5। रणदीप हुड्डा की फिल्म वीर सावरकर भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल ना कर पाई हो, लेकिन इसका दर्शक OTT पे आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के ऑनलाइन प्रीमियर के लिए 8 हफ्ते की थिएटर विंडो के अनुसार स्वतंत्र वीर सावरकर की बायोपिक मई 2024 के अंत तक या जून 2024 की शुरुआत में रिलीज हो सकती है। मेकर्स या अभिनेता की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, इसलिए ये फिल्म आपको OTT पर देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। शैतान नेटफ्लिक्स। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली अजय देवगन की फिल्म शैतान OTT रिलीज के लिए तैयार है। अजय देवगन की फिल्म OTT पर 3 मई 2024 को रिलीज होगी। पंचायत सीजन 3 Amazon प्राइम वीडियो। अगर किसी के इंतजार ने फैंस के सब्र का इम्तिहान ले लिया है तो वो है पंचायत सीजन 3। इतना इंतजार अगर आपने अपने सच्चे प्यार का किया होता ना तो लाइफ में वो भी मिल जाता, लेकिन पंचायत सीजन 3 की रिलीज डेट नहीं मिल पा रही है फैंस को। उस पर ये Amazon वाले नया नया गेम खेल रहे हैं यार। अब आपको बताते हैं कि Amazon प्राइम वीडियो ने ऐसा क्या किया कि फैंस का गुस्सा और बढ़ गया। दरअसल प्राइम वीडियो की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया। इसमें लिखा कि पंचायत 3 वेब सीरीज जल्द आने वाली है, लेकिन लौकियों के पीछे क्या है, इसके कैप्शन में एक गेम था। आपको उसके लिंक पर क्लिक करना था, वो गेम खेलना था। इसके बाद जब लौकियां हटाई गई तो वहां लिखकर आया है कि 93% बचा है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और 15 मिनट बाद दूसरी लौकी हटाने के लिए वापस आए। मेकर्स ने जैसे ही इस लिंक के बारे में जानकारी दी, पंचायत 3 की रिलीज डेट जानने के लिए फैंस इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने ये गेम खेल डाला। लेकिन मिला क्या, तारीख पर तारीख मिलती रही है। इसके बाद फैंस के सब्र का बांध टूट गया। एक यूजर ने लिखा, प्राइम को अनफॉलो करने का टाइम आ गया है। दूसरे ने कमेंट किया, अरे रिलीज कर दो, क्या रोज का ड्रामा मचा रखा है। और तीसरे ने लिखा, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। वैसे इंतजार करवाने में मिर्जापुर वाले भी पीछे नहीं है। मिर्जापुर सीजन 3 Amazon प्राइम वीडियो। पंकज त्रिपाठी की मिर्जापुर सीजन 3 भी इस महीने यानी मई 2024 में Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हो सकती है। इस वेब सीरीज का भी दर्शकों को काफी समय से इंतजार है। वैसे सीजन 2 वो कमाल नहीं कर पाया था जो सीजन 1 ने किया था, बट आई थिंक कि फैंस इसे एक और चांस जरूर देंगे। हाँ, अगर ये भी नहीं चल पाया तो फैंस के साथ साथ मेकर्स को भी एक और सीजन बनाने के बारे में सोचने के लिए सोचना पड़ेगा। हमारे हिंदी वेब सीरीज की कहानी ना वैसे भी ज्यादातर 1-2 सीजन तक ही चलती है। हाँ, टीवी सीरियल बहुत लंबे लंबे चलते हैं, इतने लंबे कि किसके कितने बच्चे हैं, किसकी कितनी शादी हो गई है, किसकी किसकी बहन है, कौन किसकी सौतन है, सब मिक्स हो जाता है। एज हिंदी सिनेमा फैन हमें बुरा नहीं लगेगा अगर आप नागिन की बजाय डार्क, बिग बैंग थ्योरी, ब्रेकिंग बैड, गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी लंबी लंबी सीरीज बनाए। SS राजा मौली लेकर आ रहे हैं बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड। बाहुबली और बाहुबली की शानदार सफलता के बाद SS राजा मौली फैंस को एक नायाब तोहफा दे रहे हैं। राजा मौली ने अपनी आगामी सीरीज बाहुबली द क्राउन ऑफ ब्लड का ऐलान किया। सीरीज की अनाउंसमेंट ने फैंस का दिल खुश कर दिया। राजा मौली ने एक पोस्ट लिखा जिसमें लिखा, जब माहिष्मति के लोग उनका नाम जपते हैं तो ब्रह्मांड की कोई भी ताकत उन्हें वापस लौटने से नहीं रोक सकती। बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड एक एनिमेटेड सीरीज का ट्रेलर जल्द आएगा।
खैर ये तो थी मई में रिलीज होने वाली कई सारी वेब सीरीज और मूवीज की डिटेल, लेकिन जाते जाते आपको एक और बात बता देती हूँ कि ये जो टीवी सीरियल है अनुपमा, जिसको आप रोज देखते हैं बड़े प्यार से बड़े चाव से, उसकी रूपाली गांगुली ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। विनोद तावड़े और अनिल बलूनी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल हो गई। तो अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में इनका कुछ योगदान रहेगा या नहीं रहेगा। फिलहाल आज के बॉलीवुड बंटा के शो में बस इतना ही। जल्द लेकर आऊंगी आपके लिए नया शो। तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें।